नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चंबल घोष न्यूज चैनल। चंबल घोष न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धौलपुर जिले के प्रत्येक प्रखंड से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण भारतवर्ष से निकलने वाली राष्ट्र के स्वाभिमान एवं सम्मान की गौरव यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में भाग लिया। धौलपुर जिले से 16 बजरंग दल कार्यकर्ता धौलपुर स्टेशन से झेलम एक्सप्रेस द्वारा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हैं, जिनका विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी एवं जिला संयोजक बजरंग दल मनोज सोनी की अध्यक्षता में धौलपुर समाज सेवी मुकेश शर्मा और बाड़ी शहर के प्रमुख भामा शाह, नेवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन द्वारा सिंह पचौरी द्वारा बजरंगी भाइयों का धौलपुर रेलवे स्टेशन पर रोली चावल से टीका भगव लगाकर, भगवा वस्त्र उड़ाकर, मीठा मुंह कराकर प्रभु श्री राम भगवान के उद्घोष के साथ यात्रा रवाना की गई। इस यात्रा में जाने वाले 16 सदस्यीय जत्था सूरज माहौर, भूरा पहलवान राजेश शर्मा, बदन सिंह कुशवा, छेल बिहारी शर्मा, देवेंद्र शर्मा, कृष्णा जाट, रजत बघेल, मुनेश गुर्जर, लवकुश गुर्जर, सौदान सिंह, संजय मीणा, मुकेश मीणा, संतोष शर्मा, बंटू जितेंद्र आदि कार्यकर्ता रवाना हुए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पाराशर, जिला मंत्री गिरीश शर्मा, बजरंग दल जिला सह संयोजक राम शर्मा, जिला सेवा प्रमुख सुरेश गोयल, कार्यकारी अध्यक्ष महेश बठेले, ब्लड बैंक इंचार्ज एवं समाज सेवी मुकेश शर्मा, जिला मिलन केंद्र प्रमुख दीपक पचौरी, प्रखंड मिलन केंद्र प्रमुख रोहन कुशवाहा सहित दर्जनों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्तागण उपस्थित रहे, जिन्होंने सामूहिक रूप से बजरंग दल कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल के सेवानिवृत्त होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समौना और गोपालपुरा को संचालित पीपीपी मॉड वाणी संस्था के निदेशक डॉक्टर सुनील शर्मा के नेतृत्व में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील शर्मा के द्वारा सीएमएचओ को पगड़ी बांध व माला पहना एवं संस्कृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। वहीं बाड़ी संस्था के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर कैलाश शर्मा एवं पीएचसी समौना के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जाकिर खान एवं पीएससी गोपालपुरा से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रुखसार बानो, वीरेंद्र शर्मा, विशाल बाबू शर्मा, नीरज शर्मा, अमरीश शर्मा आदि मेडिकल स्टाफ के द्वारा सीएमएचओ का माला पहनाकर सम्मान किया गया। राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रांगण में शनिवार को उपखंड स्तरीय मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, संयोजक एसडीएम देवी सिंह तथा वशिष्ठ अतिथि के तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर मुकेश कुमार गर्ग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण की गई, जिसके बाद विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा ने कहा, जिले में पहली बार मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान का कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने अधिकारी वर्ग को धन्यवाद देते हुए कहा, समाज ने हमें जो दिया उसे किसी न किसी रूप में लौटाकर हम यदि लोगों की मदद कर सकें तो इससे बेहतर कोई कार्य नहीं हो सकता। कार्यक्रम में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड में अक्षय अंक प्राप्त करने वाले 76 छात्र छात्राओं को 5 किताबों का सेट और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इसी के साथ ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने 34 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का चयन कर प्रति छात्र को 2000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी बात कही। कार्यक्रम के अंत में राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने मुख्य अतिथि सहित अन्य लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में विधायक रोहित बोहरा के साथ एसडीएम देवी सिंह, तहसीलदार गंभीर सिंह, नायब तहसीलदार दिनेश चंद, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान आयोजित प्रोग्राम अग्रसेन विद्यालय धौलपुर रोड बाड़ी में रवि पचौरी बाल कल्याण समिति धौलपुर द्वारा छात्र छात्राओं को ध्वज फहराने संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। तिरंगे का सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य है। तिरंगा फहराते समय ध्यान रहे कि केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए, तिरंगा मेला कुचैला या फटा नहीं होना चाहिए। तिरंगे को नए नियमानुसार सूर्यास्त के बाद भी उतारना आवश्यक नहीं है। इस प्रोग्राम में उपस्थित मंचासीन अतिथियों में रवि पचौरी बाल कल्याण समिति धौलपुर, मुन्ना लाल अग्रवाल, अग्रवाल समाज अध्यक्ष अंजनी पारासर, जिला मंडल प्रमुख विश्व हिंदू संगठन विष्णु महेरे जी, अपना घर सेवा समिति अध्यक्ष महेश बटेले, समाज सेवी सेवानिवृत्त नायब थानेदार बाड़ी द्वारा स्वच्छता विषयों पर अपने शहर प्रदेश देश को स्वच्छता में सहयोग करने एवं छात्रों को बाजार में जाने पर कचरा रोक
सड़कों पर ना फेंकने की बात बच्चों के बीच रखी। हमारा शहर साफ हो, इसमें जन जन का साथ हो के साथ ही प्रोग्राम में उपस्थित अतिथि महेश बठेले समाजसेवी सेवानिवृत्त नायब थानेदार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग न करने की शपथ दिलाई गई। इस प्रोग्राम में पधारे हुए मंचासीन अतिथियों का श्री अग्रसेन विद्यालय के संस्थापक सुभाष चंद्र बंसल द्वारा अतिथियों को शील्ड भेंट कर आभार प्रकट किया। इस दौरान प्रोग्राम में नगर पालिका बाड़ी की सहयोगी संस्था बेसिक्स टीम के हरी सिंह राजपूत, किशोरी बटेले, कविता सारस्वत, सतीश गुर्जर, अनीता मुवेल, प्रमोद कुमार, मोनिका शर्मा भी उपस्थित रहे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज आदर्श विद्या मंदिर किरीबाड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अजय सिंह मलिंगा, प्रधान पंचायत समिति बाड़ी, राम कुमार चौधरी पशु पक्षी प्रेमी, विजय दीक्षित समाजसेवी, मंगल सिंह पार्षद जनप्रतिनिधि, जसवंत सिंह पार्षद जनप्रतिनिधि एवं विजय सिंह पार्षद प्रतिनिधि नगर पालिका बाड़ी मंचासीन रहे। राम कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में हम सभी भारतीयों को इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराना है एवं तिरंगे के सम्मान का पूर्ण ध्यान रखना है। तिरंगा फहराते समय ध्यान रहे केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए। नए नियम के अनुसार अब तिरंगे को रात को उतार कर रखना आवश्यक नहीं है। इस प्रोग्राम के दौरान नगर पालिका बाड़ी की सहयोगी संस्था बेसिक्स टीम के सदस्य हरी सिंह राजपूत, किशोरी बटेले, मोनिका शर्मा, कवित कुमार, सतीश गुर्जर, प्रमोद कुमार, अनीता मुवेल उपस्थित रहे। प्रोग्राम समापन पर आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के प्रिंसिपल राम कुमार शर्मा द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। सरमथुरा उपखंड के डांग इलाके में टाइगर का मूवमेंट, टाइगर D118 ने किया भैंस का शिकार। सरमथुरा उपखंड के लोकूपुरा गांव कीकर खाई में जंगलों में पिछले काफी समय से दो टाइगर कर रहे हैं विचरण।